हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती चिंतल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ गणित विषय की शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है संख्याओं के तुलनात्मक समझ बनाना 1 से 9, इसकी शिक्षण योजना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम। बच्चों को 1 से 9 तक की संख्या की मात्रात्मक और प्रतीकात्मक समझ है। बच्चे 1 से 9 तक संख्या लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बच्चे छोटी तथा बड़ी संख्या जानते हैं। बच्चे वस्तुओं की संख्या में कम ज़्यादा तथा बराबर की समझ कर पाते हैं। प्रकरण है संख्याओं की तुलनात्मक समझ बनाना 1 से 9। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है कंकड़ और संख्या काट तथा तुलना करने के लिए चिन्ह चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है शिक्षण के प्रारंभ में। समय है हमने 10 मिनट रखा है। आकलन का तरीका है परिचय। तो कालांश की शुरुआत में बच्चों को सहज करने के लिए एक छोटी कविता बच्चों के साथ कराएंगे तथा कविता के साथ बच्चों से गतिविधि करवाएंगे और कविता से जुड़े कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो हम कविता देख लेते हैं। एक खाने पर खड़े हो जाओ, दो खाने कूद के जाओ, कौन सी गिनती बड़ी बताओ। 5 खाने पर खड़े हो जाओ, 3 खाने कूद के जाओ, कौन सी गिनती बड़ी बताओ। हम ये जो पोएम है वो 1 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 1 तक के लिए भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये कहानी मैंने बना दी है। खाने में हमें किस तरीके से बच्चों को कूदवाना है, आप इसके अकॉर्डिंग संख्या चेंज भी कर सकते हैं। फिर संख्या पर आगे से कूदने से बड़ी संख्या प्राप्त होगी या छोटी, हम इस तरीके से बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे। बोर्ड पर हम बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह बना देंगे। ये एक एक्टिविटी है जिसमें मैंने एक तरफ 5 मछली बनाई है और एक तरफ मैंने 8 मछली बनाई है। तो ये मगरमच्छ हमारा किस तरह मतलब मुंह करके खाएगा मछलियों को, तो हम बच्चों को ये गतिविधि के आधार पर समझाएंगे जो हमें शिक्षण के दौरान में समझानी है। बट इसकी एक्टिविटी और इसका जो डायग्राम है, फिगर, मैंने वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो हम देख लेते हैं शिक्षण के दौरान। समय रखा है 20 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता व अवधारणा। तो शिक्षिका अपने हाथ से मगरमच्छ की भूमिका निभाएं और बच्चों को बताएं कि एक भूखा मगरमच्छ हमेशा ज़्यादा या अधिक भोजन की तरफ भागेगा या जाएगा। शिक्षिका श्यामपट पर एक समूह में 5 व दूसरे समूह में 8 मछली बनाएं। अब बच्चों से पूछें कि बच्चों बताओ, आप बताओ कि मगरमच्छ किस तरफ खाना खाने मुड़ जाएगा। मगरमच्छ के मुंह की तरफ कितनी मछली हैं तथा उसके पूंछ की तरफ कितनी मछली हैं। इस तरीके से हम बच्चों से सवाल भी पूछ सकते हैं। शिक्षिका केवल 1 से 9 तक की संख्या का ही प्रयोग करेंगी। गतिविधि है शिक्षिका कुछ कंकड़ या 1 से 9 तक की संख्या का साथ रखें। अब कंकड़ के 2 समूह बनाएं। बच्चों से पूछें कि किस समूह में कंकड़ ज़्यादा हैं। शिक्षिका दोनों समूह के कंकड़ को बोल बोल कर गिनें और उचित संख्या काट रखें तथा पूछें कि कौन सी संख्या बड़ी हुई और कौन सी छोटी। 1 या 2 उदाहरण लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं या हम सभी बच्चों के साथ ये वाली प्रक्रिया फिर से दोहरा सकते हैं। शिक्षिका श्यामपट पर भी संख्या की तुलना करते हुए सही तुलना चिन्ह भी लगाकर दिखाएं। इसके बाद शिक्षिका श्यामपट पर कोई भी 2 संख्या जैसे 6 व 9 लिखें तथा बच्चों से पूछें कि अब मगरमच्छ का मुंह किस तरफ होगा, क्या आप सही चिन्ह लगा सकते हैं। शिक्षण के बाद में समय 10 मिनट, आकलन का तरीका अभ्यास। तो कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक से कार्य करवाएंगी। श्यामपट पर कुछ संख्या लिखें जैसे 7। 7 से बड़ी 1 संख्या लिखें, 7 से छोटी 1 संख्या लिखें, 7 से बड़ी व 9 से छोटी 1 संख्या लिखें। इस तरीके से हम बच्चों से कुछ सवाल करवाएंगे। प्रदत्त कार्य, गृह कार्य में के बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। यहाँ मैंने संख्या लिखी हुई है, इनमें हम किसी जैसे 5, 6, 8 इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है वो उस पर घेरा लगवाएंगे। 4, 7, 1 में कौन सी बड़ी है उस पर। इस तरीके से हम बच्चों को होमवर्क देंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। 7 से छोटी संख्या लिखें, 2 से बड़ी संख्या लिखें, 6 से छोटी तथा 3 से बड़ी संख्या लिखें, 8 से छोटी संख्या लिखें। शिक्षण की आगामी योजना है कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा फीडबैक के आधार पर शिक्षिका नई शिक्षण योजना बनाकर कार्य करेंगी। तो ये हमारी आज की शिक्षण योजना है और इसकी जो PDF है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सभी तरह की वीडियोज़, टीचिंग प्लान्स आपको प्रोवाइड हो जाएँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।